हेलो जी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज फाइनली मैं ये चीज़ शूट करती हूँ। 2 साल पहले मैंने बहुत बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी थी जिसमें मैं देखती थी डे इन अ लाइफ ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एंड आज मैं खुद से ही शूट कर रही हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। प्लस मैं भी सोची थी मैं भी वैसे शूट करूँगी कि एक बार बेड से उठ के खुद से कैमरा रख दिया, देन उठ के थोड़ा एक्टिंग करी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, बट ठीक है, रहने देते उस चीज़ को क्योंकि मैं बोलती बहुत ज़्यादा हूँ ऐसा मेरे फ्रेंड्स कहते हैं, तो मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए वीडियो में अपनी सारी कहानियाँ सुनाने के लिए। एंड ऑब्वियसली वो चीज़ इनफ नहीं थी जो मैंने वीडियो में बोली है, तो मैं यहाँ अलग से आ गई हूँ बाकी बातें ऐड करने के लिए, सो प्लीज़ बेयर विद मी। सो मैंने उठते ही लैपटॉप खोल लिया है क्योंकि मेरे को अपनी रिपोर्टिंग मैनेजर को इन्फॉर्म करना है कि आज मैं ऑफिस से काम करने वाली हूँ, घर से नहीं। तो बस मैं एक मैसेज डाल देती हूँ और फिर उसके बाद मैं जल्दी से नहा धो के रेडी हो जाती हूँ। सो बेसिकली हमारी टीम में से मोस्ट ऑफ द पीपल ने वर्क फ्रॉम होम ही ऑप्ट कर रखा था, एंड मैं भी एक बार भी अभी नहीं गई थी ऑफिस। सो ऑफिस जाने से पहले आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है मैनेजर को, एंड वहाँ पे मैं अपने मेल्स भी चेक करी थी क्योंकि जो रात में काम कमिट किया था, क्योंकि हमारी हाफ ऑफ द टीम इज़ इन US, तो सारे जो अपडेट्स साथ में होते हैं वो हमें सुबह चेक करने पड़ते हैं, तो आई एम जस्ट चेकिंग दैट। एंड हाँ, ये ऐसे ट्रांजिशन वाला रेडी नहीं होते हैं, ये सिर्फ टिकटॉक और रील्स में होता है, लेकिन मुझे रेडी होने में बहुत मज़ा आता है। लाइक स्कूल के बाद आई थिंक इतनी जल्दी मैं अभी उठ रही थी क्योंकि कॉलेज में भी मेरा कॉलेज घर में ही था एक तरीके से, तो मैं 40 मिनट्स पहले उठती थी क्लास से, इतना जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट लाइक आई वॉज इन्जॉइंग इट। ओके, सो मैं अब निकल गई हूँ ऑफिस के लिए, अभी मेरे को गेट तक पैदल जाना है, एंड ये होने वाली जर्नी द्वारका टू नोएडा। ऑलरेडी आई थिंक मैं बता चुकी हूँ मैं 2 साल से नहीं गई हूँ ऑफिस, और 2 साल मुझे काम करते हुए हो गए हैं। सो उसका रीज़न ये है कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा था हमारी टीम, प्लस हमारी टीम की टाइमिंग्स PST टाइम जोन के अकॉर्डिंग थी, तो इसलिए हमारा सारा वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा था। लेकिन अचानक 2 साल बाद कैसे जाना पड़ रहा है, तो हमारे ऑफिस में दिवाली परफॉर्मेंस है, मैंने ग्रुप डांस में पार्टिसिपेट करा है, तो उसके लिए सबको कोऑर्डिनेट करना है, तो इसलिए आज मैं जा रही हूँ, एंड आज मेरा वर्क फ्रॉम ऑफिस ही होगा। तो मैंने सोचा आज फर्स्ट डे मेरा ऑफिशियली, तो वैसे फर्स्ट डे ही एट ऑफिस है, लेकिन 2 साल से मैं कर चुकी हूँ काम, सो लेट्स सी कि कैसे जाता है। अभी तो मेरे को ढूंढना है इसमें टावर सी, एंट्री में थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था, आईडी कार्ड वगैरह। लेट्स सी, आगे चलते हैं। वैसे लॉजिक्स पार्क में मैं आ रखी हूँ, तब स्टार्टिंग में मैंने ज्वाइन करा था तो सिस्टम वगैरह कलेक्ट करने, लेकिन उस टाइम पे कोविड था तो हमें अंदर एंट्री नहीं मिली थी, एंड मैं ही सबसे पहले ऑफिस पहुँच गई थी, गेट भी नहीं खुला था, प्लस मेरे बायोमेट्रिक भी वहाँ रजिस्टर्ड नहीं थे, तो बेसिकली हम जल्दी पहुँच गए थे ऑफिस में, तो कुछ कोई उस टाइम तक आया नहीं था, तो मैं बस बैठ के अपने मेल्स वगैरह पे रिस्पॉन्ड कर रही थी जो भी हमारे कल रात के मेल्स आए थे, एंड डे प्लान कर रही थी बिकॉज 11:30 पे हमारी स्क्रम कॉल होती है, एंड उसमें आपको बताना होता है कि आप आज क्या कमिट करोगे, एंड फिर शाम को आपको अगेन एक मीटिंग में पार्ट लेना होता है जो हमारी ऑनशोर टीम के साथ होती है जिसमें US डेवलपर्स भी आते हैं, देन आपको ये बताना होता है कि सुबह आपने जो कमिट किया था आपका उस पर क्या प्रोग्रेस था, आपने वो कमिट किया भी है, एंड अगर नहीं किया तो उसमें क्या इशूज़ आए जो आपको रिजॉल्व करने में बाकी टीम मेम्बर्स हेल्प करते हैं। लाइक आफ्टर आर स्क्रम कॉल मेरे को कुछ मेरे मैनेजर्स भी मिले जिनके साथ मैं ऑलमोस्ट 2 साल से काम कर रही थी, बट हमारा कभी ऐसा 1-to-1 लाइक फेस टू फेस इंटरेक्शन कभी हुआ नहीं, मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों से मिलने में ही गया वहाँ पर जो भी आए थे, क्योंकि मैंने इस कंपनी में एज अ फ्रेशर ज्वाइन करा था, एंड अब मतलब ऑलमोस्ट 2 साल हो गए थे लेकिन उसके बाद मैं सबसे मिल रही थी। बेसिकली हर स्प्रिंट में सबको सब डेवलपर्स को टास्क असाइन होते हैं, तो उसी पे आपको अपना काम करना होता है, तो हम कर रहे हैं। एंड आई नो मैं बहुत सारे ऐसे टर्म्स यूज़ कर रही हूँ लाइक स्क्रम, स्प्रिंट, एजाइल, IT में ये टर्म्स बहुत नॉर्मली यूज़ होती है, अगर आप ऑलरेडी उसी फील्ड में तो आपको पता होगा, एंड नहीं हो एंड यू आर एन इंस्पायरिंग डेवलपर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सो आप ये सारी टर्म्स पता कर सकते हो क्योंकि ये आपके काम ही आएगी। एंड अगर किसी को नहीं पता मैं वैसे बता सकती हूँ, लेकिन वो वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा, एंड ऑलरेडी यूट्यूब पर बहुत प्यारी प्यारी वीडियोज़ हैं। सो आफ्टर लंच ब्रेक आई मेट विद अदर ग्रुप मेंबर्स जिन्होंने ग्रुप डांस में पार्ट लिया था, एंड वो सारी ही दूसरी टीम से थे तो मैं उनसे कभी मिली नहीं थी, सो आई जस्ट मेट विद देम एंड वी डिसाइडेड ऑन द सॉन्ग्स जिन पे हमें परफॉर्म करना है, देन आई गॉट बैक टू वर्क बिकॉज आई हैव हैड फ्यू सिंक अप कॉल्स विद अदर डेव्स एंड QAs इन द टीम। सो अब ऑलमोस्ट 6 बज चुके हैं, बजने नहीं वाले हैं,
एंड मेरा कैसा काम होता है, मेरी शिफ्ट ऐसी है कि रात में आपको ऑनलाइन रहना पड़ेगा क्योंकि हमें यूएस टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। पहले हमारा टाइमिंग था 3 to 12 कि 3 से रात के 12 बजे तक, लेकिन फिर बाद में कुछ लोगों ने वर्क फ्रॉम ऑफिस स्टार्ट किया तो उसके लिए अब हमें 5 to 6 hours सुबह करना होता है, फिर बाद में 2-3 hours हमें रात में काम करना पड़ता है। लेकिन मैंने अब एक परफॉर्मेंस में पार्ट लिया है इसलिए मैं आज गई थी कोऑर्डिनेट करने के लिए ऑफिस। तो वैसे जनरली मैं 6 तक तो नहीं बैठती हूँ घर पे ऑनलाइन, 10-11 बजे तक मैं ज्वाइन करती हूँ एंड 3-4 तक मैं बंद कर देती हूँ, देन ब्रेक ले लेती हूँ, देन मैं सीधा शाम में 7 बजे ज्वाइन करती हूँ। लेकिन आज मैं ऑफिस में गई थी, फर्स्ट टाइम था तो मैंने ऑफिस एक्सप्लोर करा एंड काफ़ी लोगों के साथ इंटरेक्ट किया एंड काफ़ी लोगों से मिली भी, तो उस चक्कर में मेरा काम ज़्यादा हो नहीं पाया एंड आज मुझे काम करना पड़ेगा। तो वैसे तो मैं 7 बजे ज्वाइन करती हूँ ऑन रेगुलर डेज अपना ऑफिस 7:30, लेकिन आज ऑफिस में ज़्यादा काम नहीं हो पाया जितना मैं सोचा था, तो आज मैं घर पे जाके जल्दी ही काम करने, अभी 6 बज रहे हैं, मैं 6:10 तक पहुँच जाऊँगी घर, तो फिर मैं घर पे जाके आज काम करूँगी। सो ऐसे ही रहता है, मतलब वो जो आपका वर्क टाइमिंग है वो आपके काम पर डिपेंड करता है, अगर आपका काम कम है और आपने काफ़ी काम कम टाइम में कर लिया तो ज़रूरी नहीं है कि आपको दिन के 8 घंटे 9 घंटे देने हैं, लेकिन आपका काम नहीं हुआ तो आपको एक्सटेंड भी करना पड़ सकता है। सो आज वो वाला दिन है शायद मेरे को एक्सटेंड करना पड़े। एंड वैसे प्लान था कि आज मैं जिस परफॉर्मेंस के लिए जा रही थी उसके लिए कोरियोग्राफर आने वाला था बट वो नहीं आ पाया, तो कल मेरे को फिर से जाना पड़ेगा वरना ऑल्टरनेट डेज पर जाना पड़ता। एंड मेट्रो में तो इतना बुरा हाल है, जो हमारा ऑफिस टाइमिंग है उसमें सीट मिलना बहुत मुश्किल है। सो ओके, थोड़ी सी टायर्ड हूँ क्योंकि आदत बिल्कुल नहीं है ऑफिस, मतलब घर भी मेरा स्कूल पास में था एंड देन उसके बाद कॉलेज तो घर में ही था। एंड आज आई थिंक मैं अपने फिंगर्स पे काउंट कर सकती हूँ कितनी बार मैं अकेले बाहर गई हूँ, एंड आज मैं कम्प्लीटली मतलब खुद से गई खुद से आई, तो काफ़ी मज़ा आया एंड घर वालों को भी अच्छा लगेगा, वरना बहुत डरते हैं बाहर भेजने से। एंड अब ज़्यादा बोल के आपका टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। हाँ, प्लस मुझे पता चला है कि हमारे घर में वाइट वॉश स्टार्ट हो गया है, तो घर जाके देखते हैं काम कितना फैला हुआ है। बस मैं चाहती हूँ मुझे अपना सेटअप चाहिए, वर्क स्टेशन सेटअप एंड वाईफाई चला हुआ होना चाहिए, दैट्स ऑल। बाकी आई डोंट केयर, जो भी घर में हो रहा है होता रहे, हमें अपना काम करना है और हम काम करेंगे। मैं घर पहुँच चुकी हूँ एंड ये हाल हो रखा है सारा सामान गायब एंड वाइट वॉश की तैयारी। सब आ चुकी हूँ घर एंड घर पूरा फैला हुआ है वाइट वॉश की वजह से, यानी पूरा गद्दा भी हो रहा है, बट कोई नहीं, चलता है। एंड अभी जस्ट फ्रेश होके मैं अपना थोड़ा सा रेस्ट करके 5-10 मिनट फिर मैं अपना काम करने बैठूंगी। सब हम घर आ चुके हैं एंड वापस काम पे बैठ गए हैं, तो अभी करते हैं जल्दी से काम कंप्लीट क्योंकि शाम को स्क्रम कॉल भी है विद ऑनशोर टीम, सो वहाँ पे हमें जवाब भी देना कि हमने क्या किया पूरे दिन एंड क्या प्लान्स है हमारा जो हम आज कमिट करके दे देंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड अगेन। एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपका डे टू डे रूटीन बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आर इन अ सर्विस बेस्ड कंपनी और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। सो लाइक आई एम वर्किंग इन अ सर्विस बेस्ड कंपनी, सो हम एक थर्ड पार्टी कंपनी के लिए काम करते हैं विच इज़ अ यूएस बेस्ड कंपनी, तो उसमें भी आपकी दो चीज़ें होती है, लाइक एक तो आप ऑफशोर मॉडल पे काम कर रहे हो या फिर आपका क्लाइंट से कितना इंट्रैक्शन है उस पर भी डिपेंड करता है। लाइक द प्रोजेक्ट आई एम वर्किंग इन उसमें हमारे क्लाइंट से बहुत ज़्यादा हमें ओवरलैपिंग आवर्स चाहिए होते हैं। Production. So I think you're gonna take that one. So if you're gonna go through that list, बहुत सारी मीटिंग्स भी होती है जिसमें हमारा इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, लाइक फ्रॉम प्लानिंग एंड देन दी होल स्प्रिंट, वो रेगुलर स्क्रम कॉल्स चलते रहते हैं, देन फिर हमारे रेट्रोस्पेक्टिव डेमो डेवलपर मीटिंग्स सो दैट टीम का कोलैबोरेशन अच्छा रहे। ओके गाइज, सो इट्स ऑलमोस्ट 9:30 एंड अभी जस्ट मेरी मीटिंग ओवर हुई है स्क्रम कॉल एंड मुझे अपनी स्प्रिंट स्टोरी के चेंजेस कमिट करने हैं, सो अभी मैं 10 मिनट का रेस्ट करके अगेन काम पे लगूंगी एंड विद इन हाफ एन आवर मेरा काम हो जाएगा, देन वी कैन लॉग ऑफ फॉर द डे। आई एम आई 2020 ग्रेजुएट, तो उस टाइम पे लाइक तब कॉलेज में हमारे ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स चल रहे थे, सो फ्यू स्टूडेंट्स वर लाइक वेरी क्लियर विद द फैक्ट वेदर दे वांट अ सेट फॉर अ टेक कंपनी और फॉर अ नॉन टेक कंपनी, बट लाइक कुछ होते थे जिनको था कि भाई क्योंकि लाइक नॉन टेक कंपनीज में हमारे ग्रुप डिस्कशन राउंड्स वगैरह होते थे, एट दैट पॉइंट सारे नहीं मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के दिमाग में ये था कि इंजीनियर्स का काम होता है लाइक वो अपने 4x4 के बॉक्स में बैठ के बस अपना कोडिंग करते रहेंगे और उनको बाकी लोगों से इतना इंट्रैक्शन का जरूरत नहीं पड़ेगा, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग क्योंकि आप पूरे दिन इंजीनियरिंग में आप पूरे दिन कोडिंग नहीं करते हो, लाइक कोडिंग आपके जॉब का एक बहुत छोटा सा पार्ट है लेकिन उसके अलावा आपको बहुत लेवल तक
इंट्रैक्शन करना पड़ता है विद इन टीम मेंबर्स. आपने जो काम करा है वो आपको दूसरों को दिखाना भी पड़ता है, प्लस क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं. एंड उससे पहले भी आपकी बहुत सारी मीटिंग्स होती है, लाइक प्लानिंग करना जो स्टोरीज आप सारे मिलके पिकअप करने वाले हो फॉर योर स्प्रिंट, ग्रूम करना उन स्टोरीज को, एंड जस्ट इन केस अगर किसी को कोई ब्रोकर्स आ रहे हैं देन उसको एक्सप्लेन करना क्लाइंट को, वहाँ से सॉल्यूशन मिलेगा, देन वो रेगुलर डिस्कशन चलते रहते हैं. एक ये भी था कि इंजीनियर्स की कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी मैटर नहीं करती है, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग, क्योंकि आपको कोई इशू आएगा तो आपको किसी को समझाना भी पड़ेगा, प्लस समझना भी पड़ेगा सामने वाला जो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है. सो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए. ये बहुत मेजर मेजर फैक्टर नहीं है, बट अगर होगा तो ऑब्वियसली प्लस पॉइंट है आप ही के लिए. अभी भी हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन तो होता ही है लाइक वेदर टू चूज गो विद जावा, C++ और पाइथन, कि लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है कि आप एक प्रॉब्लम को कैसे ब्रेक करके उसकी अप्रोच कौन सी यूज कर रहे हो वो ज़्यादा मैटर करती है एट दैट पॉइंट. एंड आपकी लैंग्वेज आप किस पे काम करोगे वो आपकी प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी. सो एक लैंग्वेज या उसके सिंटेक्स पे फोकस करना कि मेरे को सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, नो. एट द एंड आप प्रैक्टिकल वर्क करते हो, सारी चीज़ें गूगल कर सकते हो, तो दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम. लेकिन आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट है उसका डेवलप होना बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लस टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज होती है, सो आपको खुद को अडेप्ट भी करना होता है. सो एक लर्निंग एटीट्यूड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट है कि लाइक आप अपने कोड पे ही नहीं वर्क करते हो, आपको दूसरों के कोड भी रिव्यू करने होते हैं. जब मैंने एज अ फ्रेशर ज्वाइन करा था तो लाइक मेरी टीम में मैं ही फ्रेशर थी, बाकी सारे ऑलमोस्ट 10+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस थे. सो मेरे को हर जगह से गाइडेंस मिला, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट था एक तरीके से. मेरी एक मैम मरियम मैम ने बहुत अच्छी बात कही थी कि स्टार्टिंग में तब मैं ट्रेनिंग पीरियड में थी कि दूसरों का कोड देखो, लाइक दूसरों की MRs पे जाओ, जस्ट गो थ्रू इट, लाइक कि वो कमेंट्स हमारे कोड रिव्यू में क्या क्या आ रहे हैं और उनको फीडबैक को इम्प्लीमेंट कैसा किया. तो उस चीज़ ने मेरे को बहुत हेल्प अच्छे से हेल्प करा है. एंड अगर आपकी डीबगिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो आप इवेंचुअली सब चीज़ देख के समझ भी जाओगे एंड उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाओगे. सो लाइक अच्छी डीबगिंग स्किल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो विद टाइम ही आती हैं. लाइक आप इसका कोई कोर्स वगैरह नहीं ले सकते, लाइक विद टाइम आपको वो चीज़ें आ जाती हैं. ओके, सो ज़्यादा ज्ञान ना देते हुए, आई नो मैंने ऑलरेडी बहुत बोल दिया है, बट लाइक ये सारे मेरे को पॉइंट्स थे जो मुझे मेंशन करने थे. सो दिस इज़ व्हाट माय डे टू डे रूटीन लुक्स लाइक एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लाइक वर्किंग फ्रॉम ऑफिस. अब तो मेरा अगेन वर्क फ्रॉम होम हो गया बिकॉज US में डेलाइट सेविंग टाइम स्टार्ट हो गया है, तो उस वजह से अगेन 3 to 12 शिफ्ट, उसका थोड़ा सा अलग रूटीन रहता है. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आया हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय.